बरेली में अमृत योजना के तहत बरेली जिले में सरोवरों की खुदाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जनपद में आगामी 15 अगस्त को इन सरोवरों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। बरेली जिले में ऐसे 150 सरोवर बनाए जा रहे हैं। इन सरोवरों के निर्माण से जहां एक ओर गांव में सुसज्जित सरोवर विकसित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को गांव में रोजगार भी मिल रहा है। ये सरोवर बरसात के मौसम में जल संरक्षण का भी काम करेंगे, इससे कम होते जलस्तर को बढ़ाया जा सकेगा। जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि अगस्त माह में सभी सरोवरों का काम पूरा कर लिया जाएगा। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं गांव ग्राम रोजगार से हूँ और ये गांव पंचायत में जो अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का कार्य चल रहा है, जिसमें जो है तालाब के चारों तरफ पट्टी पे जो है इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। नहाने की पूर्ण व्यवस्था होगी, इसमें लाइट लगेगी और इसमें झंडा फहराने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से होगी। क्या नाम? जी मेरा नाम तुलाराम कश्यप है, मतलब लखिया का रहने वाला हूँ सर जी। मतलब मैं यहाँ मनरेगा में काम कर रहा हूँ। ये पक्के तालाब को जो मतलब मान सरकार की योजना आई है, भारत सरकार की मानसरोवर योजना, उसके साथ तहत हमारे मतलब ग्राम पंचायत में ये काम चल रहा है तालाब खुदाई का। उसमें सर मतलब हम काम कर रहे हैं, मिट्टी खोद तालाब की जो मिट्टी है निकाल के बाहर डाल रहे हैं इसके के। जी बहुत अच्छा काम है, मतलब गांव के सभी लोग इसमें कर रहे हैं ज्यादातर। देखिए अमृत सरोवर का के लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया दोनों लोकसभाओं में, प्रत्येक में 75 स्थानों पर अमृत सरोवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, चिन्हीकरण हो गया, कार्य सब में शुरू हो गया। लगभग 15 सरोवरों में काम शुरू हो गया और शेष चिन्हीकरण की प्रक्रिया में है।